उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल फूक चुका है। तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो लेकिन पार्टियों ने जद्दोजहद शुरू कर दी है। हम इस समय प्रयागराज के फूलपुर सहसो चौराहे पे मौजूद हैं और सामने सबसे पहले देखिए प्रधानमंत्री के नाम पर लिखा लाल बहादुर शास्त्री और उसके नीचे की तस्वीर आप देखेंगे तो आएंगे हैरान हो जाएंगे। ये तस्वीर आप देखिए गड्ढा मुक्त गड्ढा युक्त की बात सरकार करती है लेकिन क्या तस्वीरें हैं वो आप समझ पा रहे होंगे। सामने प्रधानमंत्री के नाम का द्वार लगा हुआ है और उस द्वार की हकीकत क्या है ये सामने है। अब फूलपुर ना है, फूलपुर चुनाव में मुद्दे क्या है, बातें क्या है वो जनता चाहे दुकान बैठी है। चाचा क्या माहौल है? देखा हम लोग केवल भाजपा छोड़ दूसरे पार्टी के देह में जहाँ बैठे है वही गड्ढा है। अरे लाख हो लड़ाई लड़क भाई आप गड्ढा मुक्त करावा समस्या हल करावा। 5 साल में नहीं लड़े? अरे भाई लड़ भी रहे हैं, लड़ते भी रहेंगे, वोट देते भी रहेंगे। क्या कर पाकिस्तान लड़ाई से कुछ निकला? पाकिस्तान बनाओ का क्या मुद्दे कुछ मुद्दा सब ठीक बात जो मिल रहा है वो भी ठीक है जो नहीं मिलेगा वो भी ठीक है। अभी वोट वही वोट वही के काहे ऐसा है एक पाकिस्तान थोड़ो बनो का पाकिस्तान कहाँ बन रहा है? अरे बन जाएगी कैसे वोट देवे तो बन जाएगी। इसको वोट देने से बन जाएगा? अरे भाई के है अखिलेश के देवे पाकिस्तान बन जाएगा? अरे बनाए गए की बड़ी बात बोल रहे चाचा। अरे बहुत बड़ी बात हम कल चला प्रधानमंत्री के द्वार है स्वास्थ्य सड़क और गड्ढा है प्रधानमंत्री नंबर एक के मुख्यमंत्री नंबर विधायक बीजेपी सांसद भी थे मुख्यमंत्री भी बीजेपी के वो भी आया मगर लड़ाई लड़ेंगे जो समस्या है उसके लिए बोलेंगे। समस्या है ना? समस्या है ये देख रहे हैं आपके सामने जल अभी मोह नहीं टूट रहा। मोह कभी नहीं टूटेगा कारण इसलिए ये समाज के लिए लड़ रहा है। ये पार्टी चली जाएगी भाजपा तो देश गर्त में चला जाएगा। देश गर्त में चला जाएगा बगल पहले आप बताइए क्या मुद्दे रहेंगे? कैसा मुद्दा पूछना चाहते हैं आप? मुद्दा ये सामने प्रधानमंत्री सड़क फूलपुर उपचुनाव क्या जो आप देख रहे हैं उसको क्या देख रहे हैं आप? गड्ढा देख रहे हैं? हाँ तो वही गड्ढा सही है। गड्ढा सही है? सही गड्ढा है। गड्ढा सही है जो गड्ढा दिखाई पड़ रहा है गड्ढा सही है तो चुनाव मुद्दा नहीं बनेगा ये? किस बात का मुद्दा? कहीं एक जगह गड्ढा अगर दिखाई पड़े तो आपको गड्ढे गड्ढा दिखाई पड़ रहा है? लोग गिर गए हैं यहाँ पे। अरे तो जो गिरेगा उठेगा वो जो गिरेगा वो तो उठेगा सही। यहाँ बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी बहुत कुछ करेगी। क्या नहीं करेगी? फूलपुर चुनाव में क्या होगा? वो जीतेगी जीता है जीतेगी फिर पक्का पक्का 100% है ये कोई दिक्कत नहीं उठेगी बीजेपी बिल्कुल उठेगी। चाचा क्या माहौल है? बिल्कुल सही जो भाई लोग बोले बिल्कुल सत्य है। देखिए जब आप ट्रेन पे चढ़ोगे तो चोर जो होगा चिल्लाएगा कि जब कट आ गए और वही जेबा काटता है। चाचा है क्या नहीं बोलेंगे? अरे देखिए पहले ट्रैफिक आप देखिए यहाँ पे चल रहा है और ये इलाका जो है यहाँ पर तमाम लोग जो है वो बैठे रहते हैं और अन्य लोग भी है हम क्योंकि यही पर जानने आए हैं कि आखिर में जनता क्या सोचती है मुद्दे क्या है। लोग है यहाँ पर देखिए इनसे बात करेंगे। चाचा क्या माहौल है? हम वही कहा बतावा जे एक माहौल पार्टी प्रत्याशी घोषित कर दी है तो प्रत्याशी घोषित है कि कई पार्टी मुद्दे क्या है यहाँ के? मुद्दा है जवन जात आज भूख दे ही क्या जात पे चली जात पे हाँ विकास विकास जात पे चली विकास विकास चाचा क्या विकास क्या विकास का विकास नहीं देखा जो वो बतावत है वो बात सही है विकास देखा नहीं देखा था। काम बढ़िया क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काम तो होत गए काम तो अच्छा होत गए। चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे? अब ये गोरु कमी बा गोरु कटाइए सब काम और रात भर मनाई रखा था खेती में। उपचुनाव मुद्दे क्या रहेंगे? उपचुनाव में मुद्दे उपचुनाव में अब देखा अब लहाजे के क्या याद है आप लोग जनता है क्या क्या मुद्दे हैं आपके? अब समय है ना अब समय है वोट में तो माले समय है मुद्दा क्या बनाए हैं आप? यहाँ रात दिन में बदलाव हो जाते हैं रात दिन में बदलाव हो जाते हैं। अब इन्हें क्या बतावा जाए रात दिन में बदलाव होते हैं। सड़क पानी सारी व्यवस्था सही है? सारी व्यवस्था सही है पानी भी मिल रहा है सड़क की व्यवस्था भी ठीक है केवल साहब हम लोग परेशान है बिजली भी मिल रही है पर्याप्त खाद भी मिल रही है
सब कुछ मिला, केवल परेशानी हम लोगों के ही जानवरों, नील गाय और ये जो जानवर छूटे हुए। अच्छा, यहाँ पर आजाद पार्टी प्रत्याशी उतार दी है, क्या लग रहा है? वो साहब नहीं जीते उठेगी, उसको अभी यहाँ कोई प्रचार नहीं हुआ है उसका कोई। यहाँ पर देखिए सपा और बसपा की नई पार्टी है क्या? हाँ नहीं है, यहाँ पर भाजपा और सपा की लड़ाई होगी। किसकी? भाजपा और सपा की लड़ाई। काहे? हाँ यही होगी। बसपा कहाँ जाएगी? बसपा की लड़ाई नहीं रह गई है, दलित वोटर भी काफी है। हाँ तो, लेकिन उसकी लड़ाई यहाँ नहीं रह गई। अब देखिए पिछले बार सपा ने प्रत्याशी घोषित किया है, पुराने 3 बार विधायक रह चुके हैं। हाँ, प्रभाव डालेंगे? हाँ, नहीं साहब कुछ नहीं डाल पाएंगे। बड़े दबे दबे बोल रहे हैं, मुस्लिम वोट कैंडिडेट है। हाँ। ये यहाँ की जनता जो है उसको लाइक नहीं कर रही, उसको लाइक नहीं करेगी क्या? अच्छा, दो लोग तो घोषित कर दिए बीजेपी, हालांकि नहीं अभी पत्ते खोली है, क्या लग रहा है ये दो? यहाँ पर जनता लाइक नहीं करी। कारण? अरे भाई हमारे जनता सब आदमी यहाँ है और 20-50 आदमी लाइक करी, 50 न करी। लाइक ना करे कारण का बा? कारण के हमारा जात से कटे थे मुस्लिम मुस्लिम से, तो मुस्लिम आबादी तो यहाँ बहुत है। अरे तो दूसरे जात के नहीं आबादी, मोहब्बत की दुकान भी तो चल रही राहुल गांधी और तमाम अखिलेश यादव। तो राहुल गांधी है सब नीचे यहाँ, अब यहाँ फूल पूरा क्षेत्र में राहुल गांधी है नहीं। बेचे है मतलब उत्तर प्रदेश में नहीं राहुल गांधी। राहुल गांधी के तो बैलेंस है नहीं, लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किए उत्तर प्रदेश। अरे वाह, मूल राहुल गांधी उत्तर प्रदेश न चल पाए, यहाँ नहीं चले नहीं विधानसभा क्षेत्र से, फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से यहाँ भाजपा ही ले जाए। काहे भाजपा ले जाए? भाजपा ही ले जाए ने देखी है। कारण? मियां जोन उतार दिए। अच्छा, कैंडिडेट उतारने से? हाँ। सपा अगर कोई और कैंडिडेट उतार दी तो प्रभाव पड़ सकता था? हाँ, तब तो बहुत ज्यादा असर पड़ गया। आपको क्या लग रहा है कौन सा प्रभाव, मतलब कौन सा कैंडिडेट इसमें प्रभावित कर सकता था आपके जीवन में? अब हम लोग ये और लोग भी इनसे बात करते हैं, क्या क्या माहौल है? चुनाव उपचुनाव होने वाला है, क्या मुद्दे हैं? पहले गड्ढा दिखाइए तब बात करेंगे, रोड वाला दिखाइए। गड्ढे तो हमने दिखाया है। नहीं, पहले दिखाइए उसका वीडियो दिखाइए। गड्ढा सड़क मुद्दे हैं? बिल्कुल मुद्दा है, ये देखिए सामने पानी भरा हुआ है। डेली जो पब्लिक यहाँ गिरती है, लगभग 500 मीटर दूर तक रोड प्रभावित है। बीजेपी लेकर विकास हो रहा है, विकास दिख रहा है साथ साथ। देखिए गड्ढा मुक्त है जो है, पानी से भरा हुआ है। विकास होगा तभी गड्ढे होंगे। विकास होगा तभी गड्ढे होंगे। गड्ढे होंगे तभी तो देखिए जो है गड्ढा मुक्त ही सही, पानी से भले भरा हुआ लेकिन गड्ढा मुक्त है। अच्छा, पानी से गड्ढा मुक्त हो रहा है। अच्छा, चुनाव दो पार्टियों ने घोषित किया है, क्या लग रहा है माहौल कैसा बनेगा? कैसा माहौल है जनता विरोध? दो पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित किया है, क्या लग रहा है? बढ़िया है, दोनों प्रत्याशी अच्छे हैं, दोनों मुस्लिम बिरादरी से आते हैं, तो क्या लगता है कि प्रभाव डालेंगे? बिल्कुल प्रभाव डालेंगे। तो देखिए ये लोग जनता है जो है ये यहाँ पर है और साफ तौर पर अपनी अपनी बात जो है वो करती हुई नजर आ रही है। तमाम जो लोग है वो अपनी भी बात दे रहे हैं। हम अन्य जगहों पे भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर में लोग क्या बोल रहे हैं। चलो अब और लोग भी है हमारे साथ, इनसे बात करें, क्या लग रहा है उपचुनाव को लेकर? भैया सोचिए, आप बताइए क्या लग रहा है? भी वोटर है? हम तो वोटर है। क्या मुद्दे बनेंगे आप? मुद्दे हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये सरकार हमके हमारे लिए ठीक नहीं है। ये सरकार ठीक नहीं? नहीं है। क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है, महंगाई है। और क्या महंगाई दिक्कत कर रही है? और रोजमर्रा की चीजें महंगी है, हर एक चीज महंगा है। सरकार तो विकास बता रही है, कहाँ विकास हो रहा है? रोड बनवा रही है, रोड बनने से महंगाई जाएगी क्या? रोड बनने से महंगाई जाएगी? नहीं जाएगी ना, महंगाई मुद्दा रहेगा। महंगाई वोट डालने जाएंगे तो महंगाई मुद्दा लेके जाएंगे। हाँ, महंगाई मुद्दा लेकर जाएंगे। दो पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित किया है, क्या लग रहा है भाई? बताई दो सब। अच्छा, ये वोट दब रहे हैं थोड़ा सा, क्या लग रहा है आपको? यहाँ सरकार के विरोध में ही वोटिंग रहेगी, क्योंकि सरकार जो है विरोध में। क्यों? इसलिए कि क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है और शिक्षा पे कोई वो नहीं हो रहा है। लोग इसमें शिक्षा की महंगाई और वो क्या कहते हैं, वैसे भी महंगाई बहुत सी महंगाई है कि जो कि आम आदमी पूरा करने में असमर्थ हो रहा है।
सरकार तो महंगाई कम, विकास और सुशासन बता रही है, तो नहीं लग रहा आपको? सुशासन है, चलो ठीक है, सुशासन है। हाँ सुशासन है, लेकिन क्या है कि जो लोगों की रोजमर्रा की जरूरत है वो तो नहीं पूरा हो रहा है। रोजमर्रा की नहीं। क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे जब आप वोट डालने जाएंगे यहाँ? महंगाई, महंगाई। चाचा सड़क पानी सारी व्यवस्था सही है? क्या क्या आप वोटर है कि नहीं है? वोटर नहीं है। अच्छा ये देखिए, ये तमाम लोग जो है वो अपने अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग दबे मन से बता रहे हैं, लेकिन वो भी वोट देते हैं, तो जाहिर सी बात है तमाम उनके मुद्दे हैं जो वो बताएंगे। फिलहाल ये फूलपुर की जनता थी और मन बना चुकी है कि किसे वोट देना है और क्या मुद्दे रहेंगे। यादव के साथ यूपी प्रयागराज। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।